दोनों हम कहाँ जा रहे हैं? देवी माता पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारे पापा पिक की गाड़ी कबूतर के पापा काले कपड़े पहने। हेलो से हेलो प्रीति। हेलो युग से हेलो। हेलो कर ले युग। हेलो करो। हेलो युग कब क्या आ रही है? बाली चाली है। युग तो बहुत सैड है। बाली चाली है कहाँ जा रहा है युग? बाल किचमें जा रहा है। किचमें जा रहा है सबसे छोटा सुल्तान। सुल्तान फोर आए हुए स्माइल करते हुए। स्माइल कर रहे बताओ भाई। ये भी स्माइल करके हेलो बोल रहा है। रखा है फेस टॉवल। नोनू कहाँ बैठा है बेटा तू? अच्छा बैठ गया सीट पे। सीट पे जगह मिल गई बेटा। और ये हमारी कबूतरी कबूतरी नंगू है ये? नहीं इसने पहन रखा है शॉर्ट्स पहन रखे हैं। कबूतरी को पीछे मजा नहीं आ रहा था। ये कंडक्टर साइड पे बैठना पसंद करते हैं तो कबूतरी गई आगे नानी के पास। चलो भाई और नोना बहुत ही अभी ट्रैफिक है लग रहा है। ये रहा कबूतरी माशू। हाँ कहती हूँ कबूतरी लिखाई। कहाँ घूम रहा है तू कबूतरी? कहाँ घूम रहा है? हाय हाय आगे जाके मजे आ गए। पीछे मजे नहीं आ रहे थे मम्मा पास। ओए ओए वी ये तो बता दे हम जा कहाँ रहे हैं? बता देना मंदिर में। फ्रूटी ले लियो मंदिर। फ्रूटी ले लियो आके। माशा बता रही हम कहाँ जा रहे हैं। माशा कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। मंदिर में रोटी खाने जा रहे हैं। चलो भाई भंडारा भी है गया आज। आपको पीछे भेज दिया। पीछे भेज दिया सो गयो। मेरा जो नींद आई है तेरे को? नींद नहीं आई आपको? पापा बाजू में। ये युग अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता हुआ जो कि हमारे समझ से बाहर है। पापा ने आपको पीछे भेज दिया। ओके आगे जाना है आपको। कोई आते वक्त आप आगे बैठ जाना ठीक है? ओके युग ये गाड़ी किसकी है? मेरी। किसकी गाड़ी है? आपकी तो गाड़ी नहीं है। देखो अपना एक सपना की व्याख्या करते हुए तो अब हमारी नई गाड़ी आएगी। आराम से युग क्या हुआ भाई? गाड़ी वहाँ बन रही है पूरी आंगनबाड़ी। कितने कोई सरोवर है कितने कोई सरोवर है। दो तो ये बैठे पाँच छह छोटे छोटे। ना ना इसको थोड़ा ड्राइवर सीट जाना है। माशा पीछे आना है। पीछे आना है। ले ले मम्मी इसने ले इसमें कर। माशा आ गई पीछे। माशा पीछे मजा आ गया बेटा। नानी का तो चुन्नी का मैच मिलान की टेंशन हो रही है। फोन भी पकड़ना है। ओहो ये आ गई मम्मी की गोदी में माशा रानी। माशा क्या कर रहे? क्या कर रहे बेटा? ओ छत पर्वत उठाओगे क्या कृष्ण जी की तरिया? मजबूत मजबूती चेक कर रही है तो गाड़ी की। मार के देख छत में हाथ थोड़ा। ओहो क्या कर रही है हमारी कबूतरी? कबूतरी एंजॉय कर रही है अपनी कार राइड। भाई ये हम हैं एक फाइव सीटर गाड़ी में बच्चे सुमे तो नौ जने आदमी सही फिट हो रहे हैं। दो तीन और भी आ सके है। बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि वो जुकर ब्याह में होके लेके जाएगा ना गाड़ी में किसी ने सीट ना मिला वो बैठ ले वो फीलिंग आ रही है। ओहो और भाई झटके भी कसूते लागन लाग रहे सिर लाग गया छत में जाके कती ड्राइवर मारे थोड़ा नया है। ये मौसम बड़ा अच्छा है। हल्की हल्की बारिश आ रही है।
आंगनबाड़ी खुली हुई है। इधर को दिग्गे गोलगप्पे, ये नोनू, नोनू आते टाइम क्या खाएगा? दोल दप्पे। युग तू क्या खाएगा आते टाइम? तू भी दोल दप्पे। युग गोलगप्पे कैसे होते हैं? तीन दोल दप्पे। तू तो दे खाएगा। हम आ गए हैं देवसर माता धाम। देवसर है भिवानी से 10 किलोमीटर होगा, ये कितने किलोमीटर होगा? 10-12 हार्डली, गाड़ी में 10 मिनट लगते हैं देख लो हार्डली, तो इतना ही होगा 10 या 12 किलोमीटर, उससे भी कम होगा। तो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, कलकत्ता तक के बनिए वगैरह बहुत दूर दूर से भगत जन दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज हमारे भाभी जी की इच्छा हुई थी कि देवसर माता पर चला जाए, तो ये हमारे भाभी जी ग्रीन सूट में जाती हुई, गोदी में युग, और ये है नमन सबसे शैतान बच्चा। वे मैम जय भैया की। देखिए ये है देवसर माता धाम का मंदिर, अभी हम एंट्री कर रहे हैं। साइड में लॉन, एसी धर्मशाला, सत्संग भवन का निर्माण भी है यहाँ पर, तो अगर दूर से लोग आते हैं तो वो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। ये है भैया जी जो गोदी में लेके बैठे हैं सबसे छोटे बेबी को, और एक बेबी है अभी बाहर। ये पेड़ पर बैठे हैं खूब सारे पैरट्स। यस अच्छा, फिर एक पैरट को घर ले चले? क्यों ले चलेंगे एक पैरट को घर पे? कैसे क्या, यहाँ से पकड़ लेंगे एक पैरट को? अब तो बोलना बंद कर गए शायद, नोनू से डर गए बहुत सारे। और आज नोनू ने अपने हाथ में क्या पहना, दिखा तेरे भीम वाले? ओ, दिखाओ। नोनू ने पहने हैं छोटा भीम के कड़े। नोनू चल यहाँ पे आजा, देख कितने अच्छे शिव जी हैं, देखो कितने अच्छे शिव जी की मंदिर है। आ जाओ यहाँ पे, फोटो खिंचाओगे? नहीं। आ गए मम्मी और मामी, और मामी कह रही है मेरे तो नहीं चढ़ा, जाओ छोरी ने लेकर, अपनी छोरी ने ले ले। अब बताओ वीडियो कोड बनावे, लिफ्ट है मामी, लिफ्ट है। माँ जा कबूतरी, क्या लेके आई तू? क्या लेके आई कबूतरी? अच्छा है विद चिरपिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, बारिश का मौसम और मंदिर, सच में बहुत ही बढ़िया दृश्य। ये अब हम सब जा रहे हैं मंदिर में। योग योग कहाँ जा रहे तू? वी आर यूजिंग लिफ्ट नॉट स्टेयर्स बिकॉज वी हैव 4 बेबीज विद अस, तो स्टेयर्स से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम यूज करेंगे लिफ्ट। यहाँ पर लिफ्ट भी हैं स्टेयर्स भी हैं, तो जो एज लोग हैं ओल्ड एज हैं उनके लिए ऊपर जाना इजी है। बंद हो जाएगी तो खुल जाएगी, ये हमारी मम्मी का ज्ञान। चलो जी माशा मेरी गोदी में सो चुकी है नोना, चलो वाह देखो कितने सुंदर पहाड़ है। गए हैं मैं दरबार में और ये मेरी गुड़िया सो चुकी है। ओम मैया रानी की, देवसर माता धाम की बहुत मान्यता है, लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। नोना तू भी बजा। ये नोनू घंटी बजाते हुए,
मैया रानी को भोग लगाने का समय हो गया है, तो पुजारी जी ने पर्दे से झांप दिया है। अब माता रानी को भोग लगा के इस पर्दे को खोलेंगे। बजाओ बजाओ, मजे आ रहे हैं। प्रसाद, ये भाभी ने ले लिया प्रसाद और युग नमन फिर से पहुंच गया प्रसाद लेने। क्या लेकर आए हो प्रसाद? भूख लग चुका है और पंडित जी देंगे सबको प्रसाद। ये माशा सो गई। अरे इधर ये छोटू भी सो गया। मैं कर चुकी हूँ, मेरे पास और भाई के पास बच्चे थे तो हम थोड़ी देर कूलर के आगे बैठ के हवा खा रहे हैं और ये हमारा नमन इधर से उधर घूमते हो। है शिव जी का एक और छोटा सा मंदिर और ये है यहाँ से उतरने का रास्ता। युगर नमन मस्ती कर रही है, मम्मी मामी भाभी और छोटा बेबी यहाँ और पूजा कर रहे हैं। शाम के समय यहाँ पर आए, ये भी ए छिटकू सुल्तान, हे सुल्तान कहाँ आए तू? तू माता रानी के पास आया दरबार में? हाँ हाँ। आप अखंड ज्योत लगवाना चाहें तो अपने नाम से अखंड ज्योत भी लगवा सकते हैं। जो भी चार्जेस हैं वो इस चार्ट में यहाँ पे मेंशन्ड हैं। और अभी बच्चे सो रहे थे तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, यहाँ पे साइड में एक जगह बनी हुई है जहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है। तो अगर आप अपने नाम से यहाँ पर अखंड ज्योत जलवाना चाहते हैं तो कितने दिन की आपको लगवानी है उस हिसाब से यहाँ पर चार्जेस मेंशन है। तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर अपने नाम की अखंड ज्योत लगवा सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर, बोलो जय बाबा हनुमान की जय। अब हम जा रहे हैं नीचे परिक्रमा लगाने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। आप यहाँ पर धागा बांध सकते हैं। जहाँ हम स्टेयर्स से रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा अलग है पर हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ का मंदिर का परिसर है, यहाँ पर छोटे वेंडर्स बैठते हैं जो टॉयज़ वगैरह सेल करते हैं। आप भंडारा वगैरह भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, ये बाहर जाने का रास्ता है। वेंडर्स आप यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना चाहें तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये ख़रीद सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ हैं ये आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये देखो दिखा यहाँ पर गाय का छोटा सा बच्चा ना, क्यूट सा मन्ना है ना ये। और एक ये रहा, और ये हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं माता रानी देवसर धाम पे। आज हमने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं सारा एड्रेस वगैरह शेयर कर दूंगी। तो अब हम जा रहे हैं घर पर माता रानी के दर्शन करने। सारे बोलो मिलके जय माता दी। बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और ये अब हम वापस घर की तरफ जाते हुए।